पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 2015 से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत भारत से हुई और आज दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हर साल नया थीम तैयार किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार सावधानियां भी बरती गई और थीम ऐसा रखा गया जिसमें आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। यहां हम आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अर्थ को लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। योग एक प्राचीन समय से चला आ रहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत भाषा से निकला है। योग हमारे शरीर का मन से मिलाप कराता है और ये शब्द इसी का प्रतीक है। योग खास तौर पर इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जो दुनिया भर के कई हिस्सों में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो वहीं दिल्ली रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में पतंजलि और आप सबकी रसोई संस्था की ओर से योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बताया गया कि सभी को योग करना आवश्यक है और योग करते हुए आसानी से सभी बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जैसा कि हमने प्रोटोकॉल के साथ में कुछ ही लोगों के साथ, सीमित लोगों के साथ में आज योग दिवस मना रहे हैं और हमारा साथ दिया जा रहा है पतंजलि परिवार की ओर से। और बहुत सुंदर आप देख ही सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और जो कोरोना महामारी चल रही है उसका ध्यान रखते हुए बहुत बड़ी जगह में इस आयोजन को किया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बहुत है। सुबह ही यहाँ पर 4 बजे से सब लोग उपस्थित हैं और 5 बजे से योग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मैं पूनम चौहान पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी हूँ और यहाँ पर आज हम आप सबकी रसोई में पतंजलि परिवार के तत्वधान में इंटरनेशनल योग दिवस को मना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना इतना फैल चुका है, महामारी अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को योग और प्राणायाम के प्रति जागरूक किया जाए और अब हम लोग कर भी रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर रहे हैं, कॉलेज स्कूलों में भी कर रहे हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से योग सीख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, स्वदेशी को अपना रहे हैं, काढ़ों को पी रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन आज यहाँ पर सब लोग मिलके खुली सांस ले रहे हैं और इंटरनेशनल योग दिवस को मना रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।